तो भाई अभी हो रहे हैं 5:16 और हम लोग आए हैं गांव के पीछे, अपने घर के पीछे देख सकते हैं पूरी बाग है यहाँ से वहाँ तक का। वो देखिए पीछे, इधर हम नानी और अप्पी आ रही हैं। तो अभी घूमने के लिए ऐसे निकले हुए हैं, सीधा नहर पर जा रहे हैं। नानी के यहाँ पहुँचने को तो कब का नहीं हम लोग पहुँच गए थे, बट खाना खाने के बाद यार हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, और रेस्ट करने के बाद भाई तो अभी 2:30 बजे खा पी के रेस्ट करने लगे थे। तो अभी जस्ट टाइम मिला था तो हम सोचे चलो भाई थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लीजिए, गांव का भी। तो देख सकते हो पूरा पीछे कितना शानदार है। गांव में रहने का भाई मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी सामने मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे नहर दिख रही होगी, धूप मेरे सामने ना इसलिए सही से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरे जस्ट पीछे नहर, अभी नहर के पास भी चलेंगे। और 5:17 हो चुका है, और अभी थोड़ी देर बाद हो सके 6:30 6:30 पर हम लोग फिर से निकल जाएं। तो आज ईद का दूसरा दिन है, तो पेपर भी है 7 तारीख को, तो अभी थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे यहाँ से। तो जो थोड़ा बहुत शूट कर पाएंगे यहाँ का करेंगे। देखिए पीछे भाई पूरा, देखो पीछे पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। गांव में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है यार। ठंडी ठंडी हवाएं सुबह शाम, और घूमो फ्री होकर बिल्कुल। जस्ट नहर मेरे पीछे है, तो चल रहे हैं नहर, अभी दिखा रहे हैं आपको नहर को। पहुंच चुके हैं हम लोग नहर के पास, देखते हैं नहर में पानी होनी है कि नहीं है। अरे वाह, साबुन लाई हो जी, लाओ साबुन लाओ, नहा ले तो। अरे नहीं, अभी नहाते तो ठीक रहता ना। हाँ पानी है, पानी है। तो भाई नहर में पानी है, यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और ये देखो भाई पूरा मस्त लग रहा है व्यू। बहुत तेज़ धारा है पानी की, आई थिंक छुटा होगा नेपाल की तरफ से पानी। तो पूरा सुबह 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 जब आओ ना तब और मज़ा आएगा। सुबह सुबह यहाँ का व्लॉगिंग करेंगे तब और मज़ा आएगा, बट रुकने वाले नहीं हैं। अब पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तब फिर आकर रुकेंगे। नानी भी गुस्सा रही हैं रुकने के लिए। पीछे नानी, नानी पीछे नानी, मैं देखो फोटो खिंचवाने के लिए कह रही है। नहाई नहीं ना, इसीलिए इसको कैमरे में नहीं लेंगे। देखो गैया तैर रही है वहाँ पे, गैया। धूप की वजह से यार दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ ऐसा ही सही है। पानी भैया पी कर रहे हैं। ये क्या है, गन्ना? अच्छा गाय भैंस का खाने वाला चरी है भाई, मुझे लगा कि गन्ना है ये। पता नहीं था। तो वहाँ देखो लगी हुई है आग, लगाए हुए हैं भाई, अपना जला रहे हैं सब कुछ जो कि मना है। और पानी देखो यहाँ से पाइप से ऐसे पानी जा रही है। ये देखो मिर्चा भिंडी का सारा पेड़ है ये सब। चले जाओ, हमारी नानी सब लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, और हम आगे आगे। नानी बोल रही है कि उनका फोटो ना लिया जाए, नहीं लेंगे, गाली भी दे रही है लेकिन नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई पूरा पीछे खेत। आज की व्लॉगिंग जो है वो गांव की है, और गांव में बहुत मज़ा आता है यार व्लॉगिंग करने के लिए। काकर, अब भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता, नानी बता रही थोड़ा बहुत कि काकर का खेत है, ये है वो है। ऐसा नहीं कि गाँव वासी नहीं है, हम भी गाँव वासी, लेकिन छूट गया भाई। ये कोड़ा है, और वो जो वहाँ पे तोड़ रही हैं वो नेनुआ है भाई। पीछे देखो, ऊपर देखो आसमान, देखो आसमान। हाँ देखे बोड़ा, बोड़ा। नानी बंगाली बोल रही भाई, हम लोग को बंगाली नहीं समझ में आती यार, हम लोग दूर चलो
हम लोग को बंगाली नहीं ज़्यादा समझ में आती है, ऐसा नहीं कि हम लोग रहे हम भी रहे कोलकाता में, थोड़ा बहुत बंगाली आती है मुझे भी, लेकिन इतनी नहीं आती है। छागल क्या? अच्छा हाँ, बकरी यार, छागल बंगाली में इसको छागल कहते हैं, नानी बताएं, मुझे नहीं पता था। मेरा फ़ोन चाहे जब भी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि भाई चार्जर इसका नहीं लाते और मेरा एक्शन कैमरा भी बंद हो चुका है, तो जो थोड़ा बहुत शूट हुआ है इसी से कर दे रहे हैं। फ़ोन मेरी पकड़ी हुई है और हम यहाँ पर थोड़ा सा अकेले खड़े हुए व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर खेती खेत है, ये देखो पूरा खाली है। और कैमरामैन कैमरा इधर करो, हम भी यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, ये देखो इधर भी पूरा खाली, इधर सकता है, इधर काम चल रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है बस यही है। और हम लोग चल रहे हैं अब घर, क्योंकि निकलना है, रात हो जाएगी, लेट हो जाएगी, इसी वजह से निकलने का। यहाँ खेत में लगा रहे हैं आग, जो कि भाई वायु प्रदूषण फैला रहे हैं सब लोग। सस्ते पटाखे की आवाज़ आ रही है, देखो सस्ता पटाखा। टाइम हो रहा है 7:06 और भाई हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए अपने, क्योंकि अभी जाने में भी 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, तो निकल रहे हैं अब घर। सब लोग तैयार हैं भाई, चल रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और अब बैटमैन तैयार करते हैं और निकलते हैं घर के लिए भाई। इतनी ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा गांव साइड एरिया है और बाग भी है, खेत भी है, तो बहुत ठंडा सब लग रहा है। अब ये देखो डरावना जंगल, इधर उधर एकदम अंधेरा। साले 3 लोग बाइक पे बैठे हुए जानबूझ के हरामी पना कर रहे हैं, कभी आगे हो रहे कभी पीछे हो रहे। पहुँच गए भाई सीधा हाईवे पे, अभी यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर है घर पहुँचने में, तो पचपड़िया होते हुए नहीं जाएंगे, ऐसे अंदर निकल चलेंगे। मंगल बाज़ार होते हुए है नेशनल हाईवे, ऊपर ओवर ब्रिज है और हम लोग चलेंगे सीधा। देखो बहनी मिलने आई हैं, अकेला यहीं छोड़ दें। ये देखो बच्चे लोग लाइट देख के खुश हैं, छोटे बच्चे लाइट देखने के लिए आए थे कि बाइक में लाइट कौन सी जल रही है। अब यहाँ की क्रॉसिंग हमेशा गिरी रहती है, देख सकते हैं ट्रेन जा रही है, जब भी आते हैं तब भी वेट करना पड़ता है हमको। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और एक बाइक हमारी बाहर खड़ी हुई है जो कि हमारी ही है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर व्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करेगा, एंड हाँ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय।